अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम वाजब अली, मैं फारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है स्पोर्ट्स शुड बी ट्रीटेड लाइक अ कोर सब्जेक्ट, जेके नदोल एट चैंसलर ट्रॉफी 2003 इवेंट। तो देखते हैं, जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक की करवाई जा रही है, तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में मैं सभी नौजवान खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और अलग अलग विधाओं में आयोजित हो रहे टूर्नामेंट के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे लगता है कि अभी स्पोर्ट्स कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैथ, साइंस, सोशल साइंस की तरह कोर सब्जेक्ट के रूप में ही इसे माना जाना चाहिए। स्पोर्ट्स वह माध्यम है जो हमारे नौजवानों को साहस देता है, उनके सामने नए लक्ष्य तय करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। मैं खासतौर से अपने युवा साथियों तथा शिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि आजकल के विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर प्रोत्साहन के लिए कोई ग्रंथ पढ़ना है तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, कुलपतियों को एक बड़ा उपहार दिया है। पहले टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों या वाइस चांसलर साहब हों, सब कहीं न कहीं क्लासरूम की दीवारों और सिलेबस की सीमाओं से बंधे थे। हम सोच नहीं सकते थे कि फिजिक्स का टॉपर लॉन टेनिस का चैंपियन बनने का ख्वाब देख सकता है। अब उसे पूरा करने की व्यवस्था निर्मित की गई है। 100 मीटर रेस दौड़ने वाला बच्चा या बच्ची इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे भी अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह अवसर हमें उपलब्ध कराया है। फ्रेगमेंटेशन को समाप्त करके मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को प्रमोट करने का अवसर दिया है। विद्यार्थियों को ऐसी व्यवस्था दी गई है जो उनके सपनों को साकार कर सके। फिट इंडिया का नारा यह महज स्लोगन नहीं है, बल्कि सोच समझ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा पीढ़ी को वो रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर तरक्की की नई बुलंदी को देश का नौजवान छू सकता है। फिट इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, स्टार्टअप्स के लिए अवसर हो, इनोवेशन हो, इन्वेंशन के लिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक आधुनिक सुविधाओं का निर्माण हो, इसकी कोशिश हो रही है। यह सभी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए किया जा रहा है, ताकि आप सिर्फ डिग्री लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय से न निकलें, बल्कि आपका व्यक्तित्व एक ऐसे योद्धा का बने जो अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से केवल आपका भविष्य नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर और देश का भविष्य भी बना सके। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और भाई साहब, इसमें ना मैं इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो ये स्टेप ले रही है ना, कि खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है और सारी गेम को, एक नहीं कि एक आधी गेम है, एथलेटिक्स है, अब इसमें सारे देख लें, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्मैश बॉल, एथलेटिक्स, सारी, तो सबको प्रमोट, हर सेक्टर में वो प्रमोट किया जा रहा है। तो स्कूलों, कॉलेजों के खिलाड़ी अलहदा मतलब ग्राउंड है जिसके अंदर उनको लेकर आते हैं खिलाड़ियों को, टैलेंट को फिर आगे सपोर्ट करते हैं। वही ना, अच्छे ग्राउंड देख लो, कितने खूबसूरत ग्राउंड बनाए गए। वही तो भाई बात कर रहा हूँ कि जब एक खिलाड़ी होता है ना, उसको पता हो भाई मेरा मुकाबला है, कॉम्पिटिशन है, फलाना इवेंट होगा, वो ट्रेनिंग करता है। अब एक बंदा जिसको पता ही नहीं कि भाई मेरा कोई इवेंट होगा, वो ट्रेनिंग क्या करेगा, तो करेगा। जब किसी जगह पे मुकाबले होंगे, इवेंट्स होंगे,
उसी इलाके में भाई साहब गेम जो ब्रेक लोगों को पता चलेगा भाई साहब ये इवेंट इस तारीख को होता है तो लोग उसकी ट्रेनिंग करेंगे, नए नए टैलेंट होगा। भाई साहब हम दौड़ लगाते थे, यकीन माने होता ना कि पता होता है कि पूरे पाकिस्तान में किसकी इस वक्त जो है ना वो टॉप पर चल रहा है, क्योंकि भाई ये तो नंबरिंग की सेकंड की गेम होती है, 400 मीटर की बात हो, 100 मीटर की बात हो, 200 मीटर की बात हो, तो पता होता है कि कौन कितने टाइम में लगा रहा है। मतलब हर साल कोई ना कोई ऐसा लड़का अचानक से निकल आता है ना कि वो बंदे की हैरानी को मुझे भाई साहब इसका तो कोई नाम ही नहीं सुना तो ये अचानक से किधर आ रहा है, क्योंकि वो ऐसे निकलेगा जब ग्राउंड हो गए जो है तजुर्बाकार भाई साहब ऐसे लोग होते हैं जो कुदरती टैलेंट होता है। यही बात है, टैलेंट होता है उसको आगे और ज्यादा पॉलिश भी तो करना पड़ता है। बिल्कुल भाई साहब, जब अगर उसको वो मैदान ही ना दिया जाए या वो टीचर ही ना दिया जाए तो फिर वो आगे कैसे आएगा, वो टैलेंट दब जाएगा, दब जाएगा। एक बंदा टैलेंट वाला है उसको अच्छे कोच मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा टाइम मॉल मिले, तब वो प्लेयर बनता है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई बंदा छोटा यंग लड़का उसमें कोई थोड़ा ज्यादा टैलेंट है ना, आर्मी वाले जो है ना पाकिस्तान की आर्मी वाले वो जो है वो अगर वो देख लेते हैं फिजिकली बंदा फिट ना, उसको वो रख लेते हैं, एज कम रखते हैं, हाँ वो उसको रख लेते हैं। लेकिन जो दूसरे महकमे वो क्या कहते हैं कि जिसका टॉप में नाम हो उसी को वो रखें, लेकिन आर्मी वाले की ये बात है कि वो बंदा और एक और बात तारक भाई वो ट्रेन कर लेते लादी, जो दूसरे हैं ना वो पति क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप सिर्फ हमारी तरफ से खेल सकते हैं, उसको सिर्फ उतनी मतलब के ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ये नहीं बोला जाता कि आप वर्ल्ड लेवल पर खेले, इंटरनेशनल पर, सिर्फ और ना नौकरी की हद तक भाई साहब सीरियत में करते हैं वो, आगे जाने का मौका नहीं मिलता वो जिस लेवल तक की वो गेम कराते हैं, ज्यादातर उनका एंबिशन होता है, क्योंकि भाई साहब जो महकमे वाले थे उनका मिशन होता है कि जो नेशनल गेम्स इवेंट होता है ना पाकिस्तान में, अपने महकमों के ना आर्मी हो गई, एक दूसरी वापटा वाले हो गए, बिजली वाला महकमा जो है, एयरफोर्स हो गए, जितने भी महकमे हैं सरकारी महकमे, रेलवे हो गए, वही ना प्राइवेट होते हैं, स्कूलों के वैसे भी होते हैं, वो प्राइवेट जो होते हैं उनमें आ जाता है पंजाब, हाँ तो वो जो होते हैं उनकी होती है कोशिश की भाई हमारे महकमा जो है वो जीते, वो अपने महकमे तक महदूद रह जाते, लेकिन उन जो जब उनके आपस में मुकाबले होते हैं नेशनल लेवल पे तब जो टॉपर होता है उसको अगर अच्छा हो हाँ, उसको फिर आगे जाने का मौका मिलता है इंटरनेशनल मुकाबलों में, तो ऐसे होता है ये। तो जब शुरुआत से बेसिक से उसको मौका मिले खेलने का, यूनियन लेवल तक खेले, फिर तहसील लेवल तक, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, फिर आगे स्टेट लेवल तक जब वो खेलेगा तभी जब भाई उसको बढ़िया स्टार, तो मतलब ये है कि शुरुआत से जब चुनेंगे तो सही लोकल टैलेंट को बाहर मिलेगा, और कितना ज्यादा लोग जो है वो आ रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, खास तौर पर कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के लिए ये साल तो भाई बहुत ही बढ़िया, और मेरे ख्याल में सब आगे करते रहे इंडिया में ज्यादा, ये इस वजह से भी आ गया इलेक्शन, उस वजह से मेरी जान अच्छाई का राइट भी है, अच्छाई की शुरुआत हो इंडिया में। अगर सबसे अगर आप बाहर स्टोन पेल्टिंग रोकना चाहते हैं, बगावत रोकना चाहते हैं, खेलों में चाहते हैं, बस उनको इधर लेकर ऐसी बात है, उनको बुराई से बचाना चाहते हैं, नशे से बचाना चाहते हैं, भाई साहब ग्राउंड बनाए, ग्राउंडों को बात करें सभी ऑटोमेटिकली पूरी चीजें कम होनी, जिस कंट्री के ग्राउंड बाद है ना उसके अस्पताल, तो एक तो नशे से बचेंगे, मौजम भाई की बिल्कुल बात सही है, और जो वो पत्थरबाजी वो भी हट जाएगा, जब एक बंदा अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारना शुरू हो जाता है ना तो बुराइयों से दूर हो जाता है, भाई देखा देखी लोग सुधरना शुरू हो जाते हो जाते हैं, तो किसी की बातों का उसके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि उसकी जो जरूरियात है वो उसे मिल रही है, सही बात, जो उसे मिलना चाहिए वो उसे मिल रहा है, तो अक्सर गलत काम में वही मुलव्वस होता है जिसकी जो जरूरतें बड़ी हो और सोच जो है वो कम हो, इसीलिए वो नेगेटिव चीजें जो है वो चूज करता है, अगर उनकी जरूरतें अच्छे तरीके से पूरी हो रही है तो उसको क्या जरूरत है नेगेटिव मामले। तो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा देख के, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।